भी जाने जाते हैं नॉर्थन एरियाज़ में या कहीं भी टूर पे, तो उनको सकीना लगा दिया मैं। नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई, तो चलो चलते हैं नया शहर ढूंढने। ये है मैंगलोर पुल सवात। पुल से होते हुए इस चौक में राइट ट्रैक मलम जब्बा जाता है, जबकि स्ट्रेट रोड कालाम, बहरेन, बिशाम वगैरह। तो जनाब आज हम जा रहे हैं कबीन जब्बा। रोड की कंडीशन कबीन जब्बा तक बिल्कुल साफ, खूबसूरत और शफाफ है। यह है यूनिवर्सिटी ऑफ सवात। ऊपर वाला रास्ता विशाम, जबकि सीधा रास्ता कालाम जाता है। आपने कालाम ही वाले रोड पर आगे जाना है। बहरेन रोड पर थोड़ा सा फासला तय करके आपने लेफ्ट वाले साइड बगडेरी रोड पर जाना है। आगे जाकर मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में बिल्कुल काम नहीं करता। इस वक्त हम मटा में हैं, नाश्ता करके अपनी मंजिल की तरफ दोबारा कदम उठाएंगे। काला कोट से आगे जाकर इस चौक में आपने लेफ्ट वाली साइड पे आगे जाना है। रास्ते में बागात और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। तमाम सियाह हजरात से गुजारिश है कि किसी भी पलदार दरख्त से बग़ैर इजाज़त पल ना तोड़े। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, आप उनसे इजाज़त लेकर वहाँ खा भी सकते हैं और अपने साथ ले जा भी सकते हैं। खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ कबीन जब्बा जाते हुए हर जगह आपको साइन बोर्ड देखने को मिलेंगी। अपनी गाड़ी, बाइक या जीप वगैरह यहाँ पर नीचे पार्क करके बाकी का रास्ता आपने पैदल तय करना है। हाइकिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है शुरू में, बाकी आगे जाकर हाइकिंग इतनी मुश्किल नहीं। नीचे से जीप वगैरह भी ऊपर कबीन जब्बा तक आपको ले जा सकती है, लेकिन अगर आप जवान हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आप अपने पैरों से फ़ायदा उठाएं। खूब तकन के बाद आखिरकार हम पहुंच गए कबीन जब्बा। इस नज़ारे को देखते ही हम अपनी तकन, हाइकिंग और जिस रास्ते से हम आए वो सब भूल गए और इस खूबसूरत नज़ारे में गुम हो गए। यहाँ पर कुदरती चश्मे भी होते हैं जिसका पानी साफ शिफाफ और जरासीम से पाक होता है।
الان سيدي ما كان ولا كدر موسو اذا خير شو خير شو यहाँ पर रात गुजारने के लिए टेंट वगैरह की सहूलत मौजूद है। टेंट की जो रेट है वो सीज़न पे डिपेंड करती है। गंदगी फैलाना हम इंसानों की फितरत में है। यहाँ पे हर जगह डस्टबिन वगैरह मौजूद हैं, लेकिन मजाल है कि हम उसमें गंद डालें। हमने कसम खा रखी है कि गंद डस्टबिन की बजाय यहाँ की खूबसूरती को तबाह करने के लिए रास्ते में ही फेंकेंगे। अल्लाह ने इंसान को अकल दी है। मेरे तमाम सियाह हजरात भाइयों से दरख्वास्त है कि गंद बाकायदा डस्टबिन में डाल दे और मुल्क को साफ़ और शफाफ रखे, ताकि सियाहत में पाकिस्तान का नाम ऊपर हो। यहाँ का मौसम बिल्कुल हम इंसानों की तरह है, कभी भी किसी भी वक़्त बदल जाता है। इसलिए बेहतर यह है कि पहले से ही आपके पास छतरी मौजूद हो। मैं तुम और बस एक कप चाय। यहाँ की चाय घर की चाय की तरह मज़ेदार तो नहीं होता, लेकिन पेट को धोखा देने के लिए ये भी काफ़ी है। अब वक़्त हो चुका है गबीन जबा से कोच करने का, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में कहीं और। थैंक यू। यू विल लूज नथिंग टू सब्सक्राइब अस, इन फैक्ट वी विल गेट मोर कॉन्फिडेंट फ्रॉम योर सब्सक्रिप्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।